हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अभी पीडिया पावर्ड बाय अभी मन यू दिस इज रमीज फैकल्टी अभी मन यू एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द करंट अफेयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश और फॉर द सेकंड वीक ऑफ द अक्टूबर फॉर द सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर अक्टूबर के सेकंड वीक की करंट अफेयर्स हम डिस्कस करने वाले हैं और आज जो करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं वो एग्जामिनेशन मेन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट करंट ऐसे ऐसे डेवलपमेंट्स हैं हिमाचल के अंदर जो हुई हैं स्पेशली इकॉनमी और जोग्राफी के सेक्शन से दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर सिलेबाइ एंड दट हैज़ टू बी कवर्ड विद लेंथ एंड ब्रथ बहुत अच्छी तरह से आपको कवर करना है तो हम कोशिश करेंगे कि जिस टॉपिक के डिस्कशन हज हम कर रहे हैं वो अच्छी तरह से आपके दिमाग में जाए और यहाँ से आपको कुछ कंटेंट जो मिले आपसे एग्जामिनेशन में आपको बहुत हेल्प हो ठीक है बहुत सारे फॉटअ पॉइंट्स आपको यहाँ से मिलने वाले हैं आज तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आर टाइम लेट्स बिगिन तो टुडे आज जो आज जो हम करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की वो इकॉनॉमी सेक्शन से दो होंगी और जोग्राफी एंड एनवायरमेंट सेक्शन से तीन है टू फ्रॉम इकोनॉमी सेक्शन एंड थ्री फ्रॉम ज्योग्रफी एंड एनवायरमेंट सेक्शन इकोनॉमी सेक्शन से जो है एक तो फार्म बिल इट इज गेटिंग इट इज गेटिंग प्रोटेस्टेड विथ टू थल हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है पंजाब हरियाणा हिमाचल के अंदर भी हो रहा है हिमाचल के अंदर पिछले दिन मंडी के अंदर इसके इसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था ठीक है तो इकॉनॉमी सेक्शन से वो और जोग्रफी एंड एनवायरमेंट सेक्शन से तीन. तो चलिए पहला देखते हैं इकोनॉमी सेक्शन से पहला फर्स्ट फार्मर्स प्रोटेस्ट अब ये जो बिल आई हुई है आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो तीन बिल्स आए हुए हैं फार्मर्स को लेके या फार्मिंग बिल उसको उसे बहुत। इट इज गेटिंग अपोज विथ टूथ बाय द पीपल ऑफ वेरियस स्टेट्स क्योंकि उनका कुछ मानना है कि इस बिल इस बिल अगर ये बिल आ गई है तो इस बिल से किसानों का बहुत नुकसान होने वाला है क्या क्या नुकसान होने वाला है लोग क्यों डर रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहती है कि इस बिल से क्या फ़ायदा होगा वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं ये इमेज जो मैं दिखा रहा हूँ ये मंडी की इमेज है मंडी के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा था तो वहां से ये इमेज ली गई है ठीक है ट्रिब्यून के अंदर अगर आप पढ़े हुए तो ट्रिब्यून के अंदर ये आर्टिकल आई हुई थी किस तरह से मंडी में प्रोटेस्ट हो रहा था एक सम्मेलन था वहाँ पे एग्रीकल्चरल किसान सम्मेलन था वहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा था तो चलिए देखते हैं क्या है फार्म बिल्स और वो क्या है गवर्नमेंट स्टैंड से क्या है देखिए पी के अंदर मैंने कुछ आपको ये इमेज जो है पी के अंदर आपको मिल जाएगा ये इसे आपको ध्यान से पढ़ना है इट इज़ द करेंट सिनारी ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिशन कितने एरिया में क्या है कितनी पॉपुलेशन इसमें एम्प्लॉयड है कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है कितने परसेंटेज ऑफ जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है इसमें इसमें कितनी सब्सिडीज दी जाती हैं ठीक है इसकी क्या ग्रोथ इरिगेशन फैसिलिटीज़ क्या है नहीं है सस्टेनेबल प्रैक्टिस हैं या नहीं है ठीक है तो ये सारी क्लाइमेट रेजिलियट है कि नहीं है ये सारी चीज़ें आपको इस इमेज के अंदर मिल जाएगा ठीक है एक ये न्यूज़पेपर में ये इमेज आई हुई थी तो वहाँ से मैंने ये निकाला है तो प्लीज़ आप पीडीएफ में इसको ध्यान से पढ़िएगा इट इज़ द करंट सिनेरियो या करंट सिचुएशन ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर इन इंडिया प्रेजेंट ठीक है तो चलिए पहले वो देखते हैं वो बिल कौन से कौन से हैं तीन बिल जो बिल है पहला बिल कौन सा है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फिलिशिटेशन बिल 2020 ट्वेंटी द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020 एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020 ये तीन बिल हैं और इन तीनों बिल को किया जा रहा है ठीक है अब गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है इस बिल को लेकर गवर्नमेंट क्या बोलते हैं व्हाट वुड बी द इंटेंडेड बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद दिस बिल्स अगर ये बिल्स जब हम लेके आते हैं तो किसानों के लिए क्या फायदा हो सकता है तो उनमें से वो बता रहे हैं कि पहला फायदा यह हुआ कि पूरे नेशन में एक मार्केट हो जाएगा वन मार्केट इन द एंटायर नेशन किसान कहीं से भी कहीं का भी किसान है वो किसी स्टेट का भी किसान है वो उसी स्टेट से आप डायरेक्टली ये जो पोर्टल बनाई गई है मेरा फसल मेरा बोयरा पोर्टल वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर लें आप और अपना फसल आप डायरेक्टली वहीं से अपने पोर्टल पे जाके रजिस्टर करने के बाद भेज सकते हैं और आपकी जो आ, फसल है वो वहीं आपके पास से ही कलेक्ट कर ली जाएगी ये पहला बेनिफिट वो बता रहे हैं कि वन नेशन वन मार्केट हो जाएगा ठीक है दूसरा वो ये बोल रहे हैं कि ए में जो भी ए पी एम सी मंडीज में जब आप अपने अनाज बेचते हो अपने फसल बेचते हो तो वहाँ पर मिडल मैन है ए पी एम सी मार्केट के वहाँ पर टैक्सेज हैं मिडल मैन हैं तो ये सारी चीज़ें सरगमवेंट हो जाएगी मतलब ये खत्म हो जाएगा ठीक है यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली ये बात है कि ए पी एम सी मंडीज के तहत या ए पी एम सी के पहले अभी क्या होता है अभी जो ए पी एम सी मंडीज बनाई गई हैं वो मंडीज में किसान जाते हैं अपने फसल को लेके वहाँ पे अपने फसल को उन जो डीलर्स होते हैं उनको बेचते हैं और फिर कुछ टैक्सेस देना पड़ता है उनको जिसे मंडी टैक्स जिसे बोलते हैं वो देते हैं और उसके बाद फिर अपनी फसल को बेचते हैं तो सरकार का ये कहना है कि ये मिडिल मैन ही यहां पर खत्म हो जाएगा ठीक है उसके बाद और भी फायदा जो वो बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग स्टार्ट हो जाएगी देखिए ये बिल जो लाया गया है मेनली यहां पे प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व किया गया है कि ये आप प्राइवेट प्लेयर्स को भी अपना फसल बेच सकते हैं कैसे ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू मेरा फसल मेरा बोरा पोर्टल है उसके थ्रू आप बेच सकते हैं प्राइवेट प्लेयर्स को जरूरी नहीं है कि आप मंडीज में ही जाके बेच ठीक है लेकिन जो ये फायदा जो बता रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग स्टार्ट होगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन अ सेंस कि किसान हो और प्राइवेट प्लेयर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए कि हाँ आप ये फसल उगाओ मुझे ये मुझे ये प्रोड्यूस करना है मुझे ये चीज़ मैन्युफैक्चर करनी है तो इस मैनुफैक्चरिंग के लिए आपने यही क्वालिटी की वेजिटेबल्स उगाने हैं या यही क्वालिटी के क्रॉप्स उगाने हैं फिर आपसे क्रॉप्स हम लेंगे और आपके दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी फिर किसानों से वो फसल खरीदी जाएगी और उसके बाद वो प्राइवेट प्लेयस के पास जाएंगे और प्राइवेट प्लेस फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे जिसको हम बोलते हैं फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन एफ ठीक है उसके बाद क्या होगा कि फार्मर्स अब जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग स्टार्ट हो जाएगी फार्मर्स के और किसानों के फार्मर्स और प्राइवेट प्लेस के बीच में तो फिर फूड प्रोसेसिंग भी स्टार्ट हो जाएगी मतलब वैल्यू एडिशन भी स्टार्ट हो जाएगी तो ये सारी चीजें बेनिफिट्स हैं जो सरकार का मानना है कि ये सारे बेनिफिट्स होंगे लेकिन अब जो प्रोटेस्ट हो रहा है उनका क्या कहना है वो क्या बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि इट इज अ फेडरल एंगल फेडरल एंगल मतलब ये जो बिल आप लेके आए हो ये पहली बात एपीएमसी के जुरिस्टिक्शन के में है ही नहीं मैं आपको बताऊंगा कि एपीएमसी और एमएसपी का क्या इशू है कभी चीजें आई है नहीं आई है तो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका यह कहना है कि ये जो बिल आप लेके आए हो दिस इज टोटली आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ द ए एंड एपीएमसी हैज बिन सर्विंग दर्पज ऑफ द फार्मर्स फ्रॉम फाइव टिकेट्स मोर देन फाइव डिकेट्स एंड इट अ प्रोवाइडेडस रिजल्ट दो देर आर लूपल रिफॉर्मेड ए पी एम सी बट यू कॉन्ट सर टोटली एपीएमसी एपीएमसी को टोटली totally डॉज करके आप अलग से नहीं कर सकते तो आप जो ये बिल लेके आए हो ये जो बोल रहे हो आप ये एपीएमसी के हॉराइजन से ही पूरा बाहर है अभी मैं बताऊंगा आपको एपीएमसी क्या है और उसके बाद यह कहना है कि अपार्ट फ्राम दिस बिल अपार्ट फ्रॉम दिस बिल एम्पावर दिस सेंट्रल गवर्नमेंट टू इश्यू ऑर्डर टू स्टेट इन फदरेंस ऑफ लॉज मतलब जो कानून आप लेके लेकर आयो ये कानून ये जो बिल लेके आए हो ये बिल के तहत ऐसे प्रोविजन इनमें हैं कि ये प्रोविजन से सेंटर स्टेट को डायरेक्ट कर रही है और जब एग्रीकल्चर और ट्रेड स्टेट सब्जेक्ट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे स्टेट गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट कर सकती है या ऑर्डर इशू कर सकती है या कानून बना सकती है तो इट इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑल्सो ठीक है इट इज तो डायरेक्ट थ्रेट टू तो कॉपरेटिव फेडरलिज्म क्योंकि जब स्टेट लिस्ट में है स्टेट सब्जेक्ट है तो फिर आप हमें इंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हो कि आपको मानना ही पड़ेगा आप डायरेक्टिव्स दे सकते हो लेकिन मानना नहीं मानना स्टेट्स के मैटर में तो स्टेट्स की फुल जेजिस्ट्रिक्शन होती है वहां पे कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ रोल ही नहीं कुछ कर ही नहीं सकते हो ठीक है इट इज सोल जेरिस्ट्रिक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट तो ये पहला इशू लैक ऑफ कंसल्टेसन मतलब किसी से भी पूछा नहीं गया ये बिल आप जब लेके आए हो किसी से पूछा नहीं गया ना ए को कंसल्ट किया गया और भी इतने स्टेक होल्डर्स हैं किसी से नहीं पूछा गया और आप ये बिल लेके कर आए गए हो और अब ये ऐसा मानना है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका ये मान पॉलिटिकल पार्टीज हैं फार्मर्स हैं उनका ये मानना है ये फिर और भी जो एग्रीकल्चरल यूनियन है उनका भी ये मानना है कि फार्मर्स यूनियन जो है वो उनका ये मानना है कि आप डायरेक्टली प्राइवेट प्लेयर्स को फ़ायदा पहुँचाना की कोशिश कर रहे हो ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर नहीं होता हो, हो सकता इट इज टोटली ए कैपिटलिस्ट अप्रोच इट इज अ कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी कि प्राइवेट प्लेयर्स को ही आप सिर्फ फायदा पहुंचाना चाह रहे ठीक है।, है तो ये सारी इश्यूज चल रही हैं और सबसे बड़ी इशूज जो चल रही है लोगों का डर यहां पे किस चीज का है लोगों का डर यहां पे है एपीएमसी और एमएसपी ये दो चीजों का मेनली एमएसपी इन चीज से डर रहे हैं लोग कि लोगों का ये मानना है कि आप ये जो बिल लेके आए हो किसान अपनी जो फसल है वो प्राइवेट प्लेयर्स को बेचेगा इस पर आपने एमएसपी क्यों नहीं मेंशन किया कि हाँ ये एमएसपी होगा इससे नीचे नहीं बचा जाएगा यहां पे एमएसपी का देर इज नो अट्रंस ऑफ एमएसपी इन दीज बिल्स वट इफ द प्राइवेट प्लेयर्स विल द फार्मर्स क्योंकि ये पहले भी हो चुका है तभी ये एपीएमसी और एमएसपी आया था कैसे कि 1965 से पहले ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले सरकार ने जब डिसाइड किया कि ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आना है बिकॉज देर वॉज अ थ्रेट टू फूड मतलब फूड सिक्योरिटी फूड को सिक्योर करने के लिए अनाज की कमी हो गई थी हमें इम्पोर्ट करना पड़ा था यू या ए और US ने बहुत ही बेकार क्वालिटी की ग्रीनस हमें भेज दिए थे ठीक है तो ग्रीन रेवोल्यूशन लाने से पहले 1965 से पहले क्या होता था कि एग्रीकल्चर सेक्टर को जो रेगुलेट कर रहे थे, थे, थे लोग वो मनी लैंडर्स थे बड़े बड़े जमींदार थे सरोफ थे ये लोग रेगुलेट कर रहे होते थे और किसानों को एक्सप्लाइटिस्ट एक्सप्लाइट कर रहे थे सरकार की इंटरवेंशन बहुत कम थी इस सेक्टर में किसानों को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसा दिया जाता था कर्जा दिया जाता था लोन दिया जाता था ठीक है इनफॉर्मल लोन जिसे हम बोलते हैं मनी लैंडर्स और श्रॉफ से जो पैसे लेते हैं बैंकिंग सिस्टम तो था नहीं लोगों तक तो पहुंचा ही नहीं था उससे पहले वो तो सेवेंटीज में जाके फिर नेशनलाइज हुआ है बैंक इससे पहले इनफॉर्मल सेक्टर्स जो बोलेंगे कि इनफॉर्मल फॉर्मल लोन्स मनी लैंडर और श्रॉफ देते थे बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में किसानों को और फिर बाद में जब उसके फसल उगती थी वो फसल भी यही लोग खरीदते थे बहुत ही कम दाम में सारे मनी लेंडर्स मिल के काटल फॉर्मेशन कर लेते थे कि इससे ऊपर देना ही नहीं है कहाँ जाएंगे हमें ही बेचेंगे क्योंकि यही तो पूरा रेगुलेट कर रहे थे वहाँ पर तो पैसा भी ज़्यादा रेट ऑफ़ इंटरेस्ट में दे रहे थे और फसल जो खरीद रहे थे वो भी बहुत कम पैसे में खरीद रहे थे तो इस तरह से किसानों की एक्सपोर्टेशन बहुत ज़्यादा होती थी फार्मर्साइट ये सारी चीजें और हमेशा वो एक ट्रैप में फंस जाता था ट्रैप में फंसे रहते थे निकल ही नहीं पाते थे उनके पास सिर्फ इतना होता था कि वो अपने पेट भर सके वो पूरे साल मेहनत करते थे लेकिन उनके पास बचता क्या था कि सिर्फ अपने पेट ही भर सकते थे उससे ज्यादा कुछ नहीं होता था उनके पास तो सरकार ने ये डिसाइड किया कि ये एक्सप्ल्टेशन को हमें खत्म करना है अगर ग्रीन रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल बनाना है तो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे एपीएमसी एक्ट आया और एपीएमसी मंडीज बनाई गई और एमएसपी का कंसेप्ट आया एपीएमसी मंडीज बनाई गई किसान अपनी फसल को लेके इन मंडियों पे आएगा और इन मंडी में जो लोग फसल खरीदेंगे उसको पहले लाइसेंस बनाना पड़ेगा मंडीज में डीलर्स को जो डील जो डीलर होंगे जो खरीदेंगे जो जब महाजन बोलते जो होंगे वहां खरीदेंगे फसल उनको पहले लाइसेंस देना पड़ेगा लाइसेंस बनाना पड़ेगा लाइसेंस बनाने के बाद ही वो वहां पे रजिस्टर कर सकते हैं आप लोग की फिर या मंडी पे आके फसल खरीद सकते हैं ठीक है तो मंडीज में पहुंचने लगी चीजें फसल लेके किसान और मंडीज में जो एमएसपी डिक्लेयर कर दिया गया कि हाँ मिनिमम सपोर्ट प्राइस इससे कम में नहीं खरीदना है और किसान इससे कम में नहीं बेचेगा अगर प्राइवेट प्लेयर्स वहां पर मंडी पर जो लोग हैं खरीदने वाले अगर इससे कम दे रहे हैं तो आप उनके पास नहीं जाए सरकार आपका अनाज कर देगा किस पे एमएसपी पे तो एमएसपी का कंसेप्ट वहां से आया तो एमएसपी डिसाइड करने के लिए सीएससीपी बना सीएससीपी ने एक क्राइटेरिया डेवलप किया एक मॉड्यूल डेवलप किया कि हाँ ये सारे क्राइटेरिया हम देखेंगे उसके बाद एक एमएसपी डिसाइड होगी उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो डिक्लेयर करेगी फिर एमएसपी तो ये सारी चीजें चलने लगी और एमएसपी का कंसेप्ट आया और एपीएमसी आई और एपीएमसी एक्ट बने और एपीएमसी पी मंडीज बनने लगी ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तो इससे किसानों को फायदा हुआ और हम फूड सिक्योरिटी की तरफ बढ़ने लगे हमारे फूड सिक्योर होने लगा प्रोडक्शन बूम हुआ और धीरे 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 आज हम एक सिक्योर्ड नेशन है है आज के मामले में ठीक है तो अब ये बिल जो लाया गया यहां पे एमएसपी का कोई जिक्र ही नहीं है और Private players, अब यहाँ पे बिल में मेंशन किया गया है है। है कि कि ये 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 से बाहर है। तो तो पे पे लोगों को को खतरा हो हो रहा तो खत्म जाएगा। उस पे भी किसान को exploit किया जा रहा था आज भी प्राइवेट प्लेयर्स पहले कुछ दिन तो ठीक है अच्छे पैसे दे देंगे पहले क्या होता है समझना है कि यहां पर एपीएमसी में भी पहले क्या होता था कि जो डीलर अनाज खरीदते थे वो क्या करते थे कार्टेल फॉर्मेशन करते थे सारे अपने में एक लॉबी लौ बना लिए लॉबी बनाने के बाद कि डिसाइड करते थे कि इससे ऊपर देना ही नहीं है पैसा इससे ऊपर देना ही नहीं है और काटिल फॉर्मेशन होता था काटलाइजेशन करते थे तो किसान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था तो फिर बहुत सारे किसान आ जाते थे यहाँ पे तो काटिलाइजेशन करते थे वो लेकिन एमएसपी था तो सरकार एमएसपी पे खरीद लेती थी अनाज उनसे आज भी वही चीज होगा आज के प्राइवेट प्लेयर्स जा रहे हैं प्राइवेट प्लेयर्स तो स्टार्टिंग में चलो यहां पे भी एमएसपी का कोई प्रावधान इज नो प्रोविजन ऑफ एमएसपी एट ऑल इन बिल्स तो इफ द प्राइवेट प्लेयर्स विल अगेन द द फार्मर्स और इफ प्लेयर ऑफ एमएसपी इज टोटली टोटलीवर डन दिस इज फॉर श्योर दैट द फार्मर्स विल अगेन भी एक्सप्ल ठीक है तो अब ये डर हो गया कि अभी तो प्राइवेट प्लेयर्स स्टार्टिंग में दे, दे देंगे हमें कुछ अच्छे पैसे फिर बाद में ये खुद अपनी लॉबी बना लेंगे और फिर किसानों का एक्सप्लोटेशन स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि ऐसा केस पिछले साल हुआ भी है गुजरात के अंदर पेप्सिको कंपनी ने पेप्सिको कंपनी जो लेस वगैरह बनाती है गुजरात के किसानों के ऊपर केस कर दिया था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी वहां उनके बीच में इशू हुआ टू 2019 में ठीक है तो अब यह डर हो गया है कि यह कंसेप्ट खत्म हो जाएगा अब सरकार का यह मानना है कि ए इट इज फ्यूटाइल पी के की वजह से मिडलमैन है ये है वो सारी चीजें हैं ज्यादा पैसा देना पड़ता है पे है दिक्कत. Reforms है दिक्कत, की जरूरत को circumvent करके एक नया चीज लेके आना दिस इज नॉट गुड क्योंकि MSP का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो चीजें लेके आई है वहां पे भी वीट को इंक्लूड किया गया है कार्टिल फॉर्मेशन में यहां वीट की भी कार्टिलाइजेशन कोई करेगा तो उसकी सजा यह है वो है वीट की कार्टिलाइजेशन कोई नहीं करता वीट की प्रोडक्शन तो ऐसे ही बूम है उसी कार्टेलाइजेशन करने की जरूरत क्या है नहीं है उसे उस वीट की कार्टिलाइस नहीं होती लेकिन उसके अलावा जो क्रॉप्स होते हैं उनकी होती हैं और यह बिल जो लाया गया है इसमें कंसल्टेशन मतलब स्टैंडिंग कमेटी को सेलेक्ट कमेटी को भी नहीं भेजा गया बिल बिल्कुल और विथ ऑल हेस्ट लोकसभा राज्यसभा में तो बहुत विथ ऑल यू एंड इन द राज्यसभा आफ्टर मतलब आफ्टर क्या कुछ सस्पेंडिंग एट एम पीज इन द राज्यसभा उसके बाद यह बिल पास किया गया ठीक है तो ये सारी चीजें चल रही हैं अब स्पेशलिस्ट का ये मानना है जो स्पेशलिस्ट है उनका ये मानना है कि जैसे ही प्राइवेट प्लेयर्स तक लोग पहुंचने लगेंगे किसान पहुंचने लगेंगे तो ये क्या होगा एपीएमसी मंडी जो है इट विल टर्न आउट टू बिकम रिडंडेंट इसकी वैल्यू खत्म होने लगेगी और फिर जिस चीज के लिए एपीएमसी बनाई गई थी जिस चीज से फायदा हुआ था देश को किसानों को वो कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा और बाद में फिर जब ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगा प्राइवेट प्लेयर्स फिर किसानों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देंगे स्पेशलिस्ट का यह मानना है अब स्पेशलिस्ट ये भी कह रहे हैं कि आप ये बिल को ना ला के पहले बात तो ये बिल लेके ले आए तो यहाँ इस बिल पर आपने एमएसपी की जिक्र ही नहीं की थी कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस से इतना मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा उससे नीचे आप बेच खरीद नहीं सकते ये तो कहीं नहीं ले मैंशन ही नहीं है बिल पर दूसरा स्पेशलिस्ट का ये भी मानना है कि आप ये जो ए पी एम सी और एक्ट है इसमें जो रिफॉर्म्स चाहिए वो रिफॉर्म्स लेके आए इसको और अच्छा बनाएं अगर इफ़ यू रियली अब ये बिल जो लाया गया ये बिल लाया गया इसका मोटो क्या है टू तो डबल द फार्मर्स इनकम बाय 2022 इसके पीछे रीजन ये दे, सरकार ने दिया है कि इट इज जस्ट टू डबल द फार्मर्स इनकम बाय 2022 ठीक है लेकिन स्पेशलिस्ट का ये मानना है कि इससे तो बाद में एक्सपोर्टेशन होगी और इससे प्राइवेट प्लेयर्स को ही फायदा पहुंचेगा तो स्पेशलिस्ट ये बोल रहे हैं आप ए में रिफॉर्म लेके आए और ए मंडी जो है इसकी रीच को बढ़ाएं क्योंकि ये पैन इंडिया लेवल पर हर एक जगह हिंदुस्तान पर नहीं है हिंदुस्तान के हर एक एरिया पर ए मंडीज नहीं है तो जहां जहां नहीं है वहां वहां इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें आप ए पी मंडीज बनाए और वहां वहां लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करें क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता है कि एमएसपी है क्या चीज़ कहां पर फसल बेचना है क्या करना है बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर पूरे साल में सिर्फ एक ही खेती होती है एंड द लैंड इज एंड द लैंड इज लेफ्ट फेलो फॉर सिक्स मंथ सिक्स टू नाइन मंथ्स तो वहां पे वो यूटिलाइज किया जाएगा क्योंकि किसानों को जब तक अवेयरनेस आप क्रिएट नहीं करेंगे कि हाँ फसल उगाओ आपकी फसल खरीदी जाएगी आपको फायदा होगा आपका इनकम होगा तो अलग तब तक कुछ नहीं हो सकता तो अब स्पेशलिस्ट ये बोल रहे हैं कि एपीएमसी में रिफॉर्म लेके आए और मंडीज के पी एम सी मंडीज जो उसको पैन डाले पर हिंदुस्तान के हर एक जगह पे मंडीज बनाए ठीक है और ये जो एमएसपी है एम के बारे में लोगों को बताया और एमएसपी के अंदर आप इफ यू रियली डिलीजेंट इफ यू डिलीजेंटली वांट टू डबल द फार्मर्स इनकम देन एम पे जो आप पैसा दे रहे हैं उससे आप एक अच्छा अमाउंट उसे बढ़ा के दें आप एमएसपी को इंक्रीज करें उसे उस, उसकी इंक्रीमेंटल स्टेज इस तरह से बनाए कि किसानों को वाकई में फायदा हो दो के बाद इस बार जो इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट हुआ एमएसपी के अंदर दैट इज वेरी वेरी मेन स्कूल वेरी मेघर ना के बराबर पंद्रह रुपये बीस रुपये दस रुपये क्या होता है कुछ नहीं होता दस रुपए पंद्रह रुपए क्विंटल पर अगर बढ़ रहा है तो कुछ क्या होता है कोई फायदा नहीं होता समझ भी नहीं आता तो इसके लिए और भी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं या फार्मर्स यूनियन जो है वो कह रहे फार्मर्स तो एमएसपी तो पे अच्छा पैसा देना है अमाउंट अच्छा देना है बढ़ा के इस तरह से कि किसानों का फायदा हो क्योंकि प्रेजेंटली एमएसपी का 30, 40 सौ रुपए अगर किसानों को अगर किसानों के फसल को जो एमएसपी किसानों को मिलता है वो एमएसपी पूरे फायदे का पूरे फायदे का तीस से चालीस रुपया होता है बाकी का सत्तर साठ से सत्तर रुपया प्राइवेट प्लेयर्स को जाता है लेकिन जो एमएसपी मिल रहा है किसानों को वो कितना है टोटल फायदे का सिर्फ थर्टी फोर्टी परसेंट है या फिफ्टी परसेंट है तो इसको बढ़ाना है ये कैसे बढ़ेगा एमएसपी जब आप हायर अमाउंट दोगे क्योंकि एमएसपी तो बढ़ता नहीं है लेकिन प्राइवेट प्लेस जो है जब उससे जो वैल्यू एडिशन जो फूड प्रोसेसिंग करने के बाद वैल्यू एडिशन के बाद इसके प्राइसेस बढ़ा के बेचते हैं बढ़ जाती है फायदा प्राइवेट प्लेस का होता है लेकिन किसानों को फायदा नहीं होता है किसान वहीं पे रह जाते हैं तीस चालीस रुपए लेके ही या फोर्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट लेकर ही लेकिन फायदा तो ज़्यादा किसानों को मिलना चाहिए क्योंकि ही इज एट द प्राइमरी लेवल हु इज प्रोड्यूसिंग दिस ग्रेन्स क्रॉप्स ठीक है तो ये सारी चीज़ें हैं प्रॉब्लम चल रही है बातें हो रही हैं वजह से ये बिल को पोस्ट किया जा रहा है और एक बात है स्वामीनाथन की रिपोर्ट है 2005 के अंदर उन्होंने दी थी गवर्नमेंट ने बोला था कि उस रिपोर्ट को इंप्लीमेंट किया जाएगा पर आज अभी तक हुआ नहीं है और उस रिपोर्ट में स्वामीनाथन ने एक रोड मैप बनाया था एक रैशनल दिया था कि ये सारी चीजें होनी चाहिए किसानों के लिए तो ही जाके किसानों को फायदा होगा वो चीजें इंप्लीमेंट होनी थी बट अभी तक हुई नहीं है अब एक चीज ध्यान से सुनिए कि इफ इन ऑर्डर टू डबल फार्मर्स इनकम फार्मर्स इनकम को डबल करने के लिए देखिए मैं ये चीजों को आपको इन डेप्थ इसीलिए डिटेल्स में, में समझा रहा हूं क्योंकि ये आपके इकोनॉमिक्स में भी पूछा जा सकता है ये आपको ज्योग्राफी में भी पूछा जा सकता है और ये आपको एसेस में भी पूछा जा सकता है और यह सारी चीज फार्मर्स के बारे में जब पढ़ते हो तो यहां से बहुत सारे स्कीम्स भी हैं बहुत सारे कंटेंट यहां से रिलेटेड हैं जो कि आपको कंसोलिडेट करने पड़ेंगे अलग अलग जगह से लाके और फिर एक पूरा कंप्लीट इस तरह से आपके नोट्स होने चाहिए कि आप इसके ऊपर एक ऐसे लिख दो ठीक है तो डबल फार्मर्स इनकम करने के लिए क्या होगा क्या करना चाहिए अपस्ट्रीम लिंकेजेस डाउन स्ट्रीम लिंकेजेस किससे क्रॉप क्रॉप्स के अलग अलग स्टेजेस है क्रॉप के सोइंग से पहले क्रॉप की सोइंग से पहले जो भी चीजें रिलेटेड हैं एग्रीकल्चर से या फार्मर से उसे बोलते हैं हम अपस्ट्रीम लिंकेजेस अब तो अपस्ट्रीम लिंकेजेस के अंदर क्या क्या जाता है इंश्योरेंस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सॉयल हेल्थ कार्ड ठीक है सब्सिडीज लोन्स फर्टिलाइजर्स सीडिंग्स ये सारी अपस्ट्रीम लिंकेजेस होती हैं किसानों के लिए कैसा कि किसानों को पहले तो आप इंश्योरेंस प्रोवाइड करें कल दिन वो किसान अपना क्रॉप लगाता है नेचुरल डिजास्टर के कारण या पेस्ट के कारण किसी भी कारण या साइक्लोन्स के कारण उसकी फसल खराब हो जाती है तो उसकी फसल खराब हो जाती है तो उस चीज के लिए उसको सिक्योरिटी कहाँ मिल रहा है उसका फार्मर्स का एक लौता इनकम क्या होता है सोल इनकम किसान खेती वही खत्म हो जाएगा उसका फसल ही खत्म हो जाएगा तो फिर वो क्या करेगा तो वहां पे क्या आता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इंश्योरेंस प्रोवाइड करें आप उसके क्रॉप की सिक्योरिटी रहे ठीक है ये योजना चल रहा है स्कीम तो इस स्कीम की इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए और स्कीम में जो लूप होल्स हैं वहां पर रिफॉर्म्स लेके आना है अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना टू पॉइंट भी आ गया है ये मैंने अपने लेक्चर में बताया भी है तो उसे इंश्योरेंस प्रोवाइड करें उसे लोन्स प्रोवाइड करें इंस्टीट्यूशनल लोन्स ना कि उसे मनी लेंडर और सरोफ के पास जाना पड़े हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं इंस्टीट्यूशनल लोन्स प्रोवाइड करना है सॉयल हेल्थ कार्ड बनाना है ठीक है उसके बाद उसे फर्टिलाइजर प्रोवाइड करवानी है सब्सिडी जो मिल रही है वो मिलनी चाहिए प्रॉपर ठीक है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू या फिर जनधन आधार मोबाइल जैम ट्रेनेटी जो है वो सारी ये अपस्ट्रीम लिंकेजेस होती है सोइंग से पहले उसके बाद ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जेस्टेशन ऑफ द क्रॉप्स जस्टेशन पीरियड के टाइम पे भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करनी है वहां पर वेदर कैसा है कंडीशन कैसा है सॉइल क्या है कितनी पानी चाहिए नहीं चाहिए क्या है नहीं है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जोड़ना है ठीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात अगर हम करें तो ये सारी चीजें करनी है क्योंकि ये सारे टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन हेल्प इन डबलिंग द फार्मर्स इनकम ठीक है तो जेस्टेशन के टाइम पीरियड पे यह सारी चीजें होनी चाहिए और उसके बाद हार्वेस्टिंग के बाद हार्वेस्टिंग के बाद क्या आता है डाउन स्ट्रीम लिंकेजेस डाउन स्ट्रीम लिंकेजेस में क्या है हार्वेस्टिंग के बाद उसके रोड नेटवर्क सही हो ताकि उसके गांव से उसके खेत से वो फसल जो है मंडी तक आसानी से पहुंचे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कोल्ड स्टोरेज और उसके बाद यहां पर कंसेप्ट आ जाता है एमएसपी प्रॉपर एमएसपी उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर कि हां मंडीज में इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं स्टोर करने के लिए ग्रेन्स ग्रेन्स पड़ी रहती है बाहर सड़ जाती हैं अगर पेरिशेबल है तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज इसके लिए भी स्कीम चलता है संपदा योजना फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है तो इनकी इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर होलिस्टिक इंप्लीमेंटेशन ये डाउनस्ट्रीम लिंकेजेस उसके बाद फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किस तरह से किसान की जो फसल है उसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उसकी फूड प्रोसेसिंग हो क्योंकि इंडिया में फूड प्रोसेसिंग की जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी पे बहुत ही चुटी है ही मिनी स्कूल बहुत ही, ही यहां पे वैल्यू एडिशन होता ही नहीं है तो यहां पे अगर होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट होगा डेवलपमेंट होगा जो माइग्रेशन हो रही है रूरल टू अर्बन ये नहीं होगी लोगों को अपने घर पे ही मिलेगा काम मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा जीडीपी बढ़ेगी और अगर प्रेजेंटली हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग का 16, 17%, 16, 17 17 कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी पर सरकार का टारगेट 25 परसेंट था वे टू दे टारगेट ऑफ द गवर्नमेंट इज वे बिहाइंड बहुत पीछे ठीक है तो ये सारे डाउनस्ट्रीम लिंकेजेस होते हैं तो सोइंग से क्रॉप के सोइंग से पहले के जो चीजें हैं वो भी किसान को देना है और क्रॉप के सोइंग के बाद जो हार्वेस्टिंग के बाद जो चीजें हैं वो भी किसान को देना है तब जाके ये पर्पस फुलफिल होगा वी नीड टू फॉलो होलिस्टिक अप्रोच तभी मिलेगा वरना एवरीथिंग इज अ होक्स ठीक है एवरीथिंग इज अ होक्स तो ये सारी इश्यूज चल रही हैं। अब चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं ये मैंने जो ये मैंने ये पीडीएफ में आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे ठीक है घबराने की बात नहीं है जो चीजें पर एक्सप्लेनेशन हो और एक बात मैं आपको ये बता दूं कि एक्सप्लेनेशन के टाइम पे अगर आप लोगों ने कुछ जानना है नहीं जानना तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दें कुछ पूछना है कुछ जानना है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें आई विल रिस्पॉन्ड ठीक है नीड फॉर फार्म एजुकेशन इन स्कूल्स अब रिसेंटली कल ये कल की आर्टिकल है आया है कि जो वाइस चांसलर है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वो कॉन्वोकेशन में थे और उन्होंने आके ये बोला है कि हाँ ये फार्म एजुकेशन स्कूल्स में देना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये जो ह्यूमन रिसोर्स है उसे हम कैसे कैसे मैक्सिमाइज कर पाए या यूटिलाइज कर पाएं या एनहेंस कर पाए तो स्कूल में आप फार्म एजुकेशन देने की जरूरत है और ये जो न्यू एजुकेशन नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ट्वेंटी ट्वेंटी इसे भी इसके अंदर जो प्रावधान है वहां पे हम फार्म एजुकेशन को स्कूल में लाके बहुत ही ह्यूमन रिसोर्स को एक एनहांस कर सकते हैं हमारे पास हमारे डेमोग्राफी को एनहांस डेमोग्राफी डेमोग्राफी डिविडेंड नेशन तो उसे हम और एनहांस कर सकते हैं ठीक है तो क्या बोला जा रहा है अब यहां पे बोला जा रहा है कि स्कूल के अंदर फार्म एजुकेशन दो, दो डिजिटल जो डिजिटल एजुकेशन है उससे इंटीग्रेट करो हमारे एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम को ताकि हम लोगों तक कनेक्ट कर पाएं विलेजेस तक कनेक्ट कर पाएँ और इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट कर पाएँ स्कूल के अंदर हम फार्मिंग के बारे में फार्म एजुकेशन दें ताकि ऐसा ना हो कि जो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर या फार्मिंग सेक्टर है उसको बढ़ावा मिले वहाँ पे नए नए रिसर्च हो आइडियाज आए और जो इश्यूज़ हैं हमारे कंट्री के अंदर फार्मिंग के अंदर वो सॉल्व हो और वहाँ पे यंग माइंड्स इन्वॉल्व हो उस पर रिसर्च हो ठीक है और इस और हमारे और भी एग्जिस्टिंग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं स्कूल्स हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे फार्मिंग हम फार्मिंग एजुकेशन स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है तो ये वाकई में ये एक अच्छी मूव होगी कि अगर स्कूल के अंदर फार्मिंग एजुकेशन प्रोवाइड की जाए ठीक है तो जैसे कि मैंने अभी देखा किसानों के साथ कि कितनी समस्याएं हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं हमारे एरिड एरियाज़ हैं रेनफेड एग्रीकल्चर है हमारा इरिगेशन की इशूज़ हैं ठीक है क्रॉपिंग की इश्यूज हैं सॉइल्स की इश्यूज हैं फिर क्लाइमेट चेंज की इश्यूज हैं डिजास्टर्स के इश्यूज हैं इन सब चीजों से लड़ने के लिए या इन सब चीजों को ओवरकम करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए हम रिसर्च इन्वॉल्व कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज में फार्मिंग एजुकेशन स्टार्ट कर सकते हैं तो ये सारी चीजें के ऊपर हम रिसर्च करेंगे तो धीरे धीरे ये चीजें ओवरकम होंगी ठीक है तो ये सारी चीजें हैं बातें हो रही हैं तो नथिंग मच मोर तो यही बात चीजें चल रही थी अब ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 नई जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये ये जो आर्टिकल है कि फार्म एजुकेशन स्कूल्स ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है तो इसी आर्टिकल के नीचे ही पी में मैंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो कंटेंट है अच्छे तरीके से उसके जो बुलेट्स हैं जो उसके पॉइंटर्स हैं या बुलेट्स हैं जो उसके नॉर्मन क्लेचर हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पी में आपको प्रोवाइड कर दी हैं आप उसे ध्यान से पढ़ें ठीक है तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा पढ़ सकते हो आप आराम से कोई दिक्कत नहीं है यहाँ ठीक है प्रॉपर स्कूल लेवल पे हायर एजुकेशन लेवल पे या फिर अदर मीडियम पे ये जो चीज़ें हैं कहाँ पे कहाँ का क्या क्या चेंजेस हैं क्या क्या नए नए इश्यूज हैं पॉलिसीज हैं ये सारे ये सारी चीज़ें ये पी में आपको मिल जाएगी ठीक है ये स्कूल से थे फिर ये हायर एजुकेशन ये हायर एजुकेशन में क्या रिफॉर्म्स हैं या क्या नए स्टेप्स हैं वो सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे उसके बाद इनके अलावा डिजिटल एजुकेशन जो है ऐसे ये डिजिटल ड्राइव जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ट्वेंटी के तहत तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे तो मतलब एक तरह से मैंने होलिस्टिकली ये पूरे ये ये पूरा जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दिया है यहाँ से आप आराम से पढ़ सकते हो करेंटली हमारे एजुकेशन की क्या स्टेटस है इंडिया पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है कहाँ पर मैंशन है कौन से कौन से अमेंडमेंट्स किए गए हैं और उस अमेंडमेंट से क्या क्या लाया गया है ठीक है क्या क्या प्रोविजन हैं नहीं है या, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी मतलब एजुकेशन से रिलेटेड जो भी है यहां पे पीडीएफ में आपको कंप्लीट कवर हो जाएगा ठीक है इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट फॉर सोर्स सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रेजिलियंट रेनफेड एग्रीकल्चर इन जियोपाडी मतलब मुश्किल में आ गया है ये वाला जो प्रोजेक्ट है अब प्रोजेक्ट जैसे बताने से पहले मैं आपको बता दू ये जो प्रोजेक्ट है इट इज टोटली इट इज बींग फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक ठीक है ये एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है हिमाचल के अंदर ठीक है हिमाचल के अंदर ये एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है जहां पे इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप करने के लिए क्लाइमेट रेजिलियट रेनफेड एग्रीकल्चर रेनफेड एग्रीकल्चर मतलब जो आपको पता होगा कि हमारी कंट्री में जो एग्रीकल्चर है मोस्टली रेनफेड है मतलब रेनफॉल मानसून पे डिपेंडेंट रहती है उसे ओवरकम करने के लिए और साथ साथ ही कोई भी एडवर्स क्लाइमेट हो उसे वो प्र, उसे रेजिलिएंट बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट की गई है इसमें बहुत सारी इसके प्रोविजन हम देखेंगे अभी लेकिन इट इज गेटिंग फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक अब व्हाई इट इज इन जियो पार्टी इट इज इन जियो क्यों मुश्किल में है तो उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह प्रोजेक्ट है क्या यह प्रोजेक्ट द डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट फॉर सोर्स सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रेजिलियंट रेनफेड एग्रीकल्चर इन हिमाचल प्रदेश फॉर इंडिया इज टू इंप्रूव अप स्ट्रीम वाटर सेंड मैनेजमेंट एंड इंक्रीज एग्रीकल्चरल वाटर प्रोडक्टिविटी इन सिलेक्टेड ग्राम पंचायत इन हिमाचल प्रदेश अपस्ट्रीम वाटर सेड मैनेजमेंट अपस्ट्रीम मतलब जहां से स्टार्ट हो रही है स्ट्रीम या रिवर उसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके अपस्ट्रीम है फिर फिर डाउन में इस तरह से अपस्ट्रीम पे और डाउनस्ट्रीम तक पहुंचे में ये हम देखेंगे अभी तो उसके टू इम्प्रूव दी अपस्ट्रीम वाटर सेड मैनेजमेंट वाटर सेड मैनेजमेंट एंड इंक्रीज एग्रीकल्चरल वाटर प्रोडक्टिव इन सेलेक्टेड ग्राम पंचायत सात करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट है ये वर्ल्ड बैंक ने स्टार्ट किया है वर्ल्ड बैंक ने फंड किया है ठीक है अब इसके अलग अलग कंपोनेंट्स है कि क्या क्या चीजें इससे बनेंगी द फर्स्ट कंपोनेंट सस्टेनेबल लैंड एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट वाटर सेट मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं लैंड मैनेजमेंट वाटर मैनेजमेंट सॉयल मैनेजमेंट सब कुछ होता है ठीक है सब कुछ होता है उसके अंदर प्रोमोट पार्टिसिपेटरी एंड सस्टेनेबल लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट थ्रू फाइनेंसिंग द प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ अपस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट इन सेलेक्टेड कैचमेंट्स इट हैज द फॉलोइंग सब कॉम्पोनेंट्स उसके अंदर सक, अब देखिए वाटर सेट मैनेजमेंट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये होता है कि वाटर सेट मैनेजमेंट में बड़े बड़े डैम्स नहीं बनाए जाते छोटे छोटे चेक डैम बनाए जाते हैं चेक डैम्स बनाए जाते हैं ताकि वाटर के जो फ्लो है उसको थोड़ा कम किया जाए ऐसा नहीं कि रोक ही दिया जाए नेचुरल फ्लो को रोका नहीं जाता छोटे छोटे चेक डैम्स बनाए जाते हैं तो ये छोटे छोटे कैचमेंट्स जो हैं माइक्रो कैचमेंट्स वहाँ पर काम होगा ठीक है अप स्ट्रीम पर तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होना था ये सारी चीज़ें चल रही थी वर्ल्ड बैंक के अब ये से मुश्किल में क्यों आ गया क्योंकि ये जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुई थी वहां पे ये अग्रीमेंट किया गया था उस टाइम पे ये अग्रीमेंट हुआ था उस टाइम पे ये अग्रीमेंट हुआ था कि जब तक ये प्रोजेक्ट की कंप्लीशन नहीं हो है इसके अंदर जो भी ऑफिशियल्स हैं स्टाफ्स हैं इसकी ट्रांसफर नहीं होगी इसकी शिफ्टिंग नहीं हो सकती तीन साल तक के लिए कम से कम तीन साल तक के लिए नहीं हो सकती जब ये एग्रीमेंट हुआ था अब ऐसा हो रहा है कि इसके चीफ एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोजेक्ट के और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दोनों को ट्रांसफर कर दिया गया अलग अलग जगह पे बाय द इनकम्बंट गवर्नमेंट प्रेजेंट गवर्नमेंट ट्रांसफर कर दिया गया अब वर्ल्ड बैंक इंडिया वर्ल्ड बैंक इंडिया इंडिया पे जो वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर हैं उनका यह मानना है कि आप वायलेट कर रहे हो यह ट्रांसफर करके अगर आप ये वायले, वायलेशन करोगे तो फिर ये जो प्रोजेक्ट है ये जियो पॉइंट ये मुश्किल में आ जाएगा फिर ये दिक्कत हो जाएगी इस प्रोजेक्ट के साथ क्योंकि आप एग्रीमेंट में कुछ हुआ है और आप अभी उस एग्रीमेंट को वायलेट कर रहे हो और ये बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है सात सौ करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट है और ये हिमाचल प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये वायलेशन की जा रही है इसके लिए ये न्यूज पे बहुत काफी दिन से आ रहा है ठीक है द चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द प्रोजेक्ट वॉज शिफ्टेड और फिर उसके बाद डायरेक्टर उनको भी शिफ्ट कर दिया चीफ मिनिस्टर से बात हुई सब कुछ हुआ लेकिन अभी इट इज इन नाउ तो वर्ल्ड बैंक का भी ये कंसर्न है कि आप एग्रीमेंट वायलेट कर रहे हो इफ यू आर वायलेटिंग द एग्रीमेंट ऑब्वियसली द प्रोजेक्ट विल बी इन जी ओर ठीक है अब ये प्रोजेक्ट क्या है द प्रोजेक्ट कवर करेगी कितना फोर ट्वेंटी एट पंचायत इन टेन डिस्ट्रिक्स बारिंग किन्नौर एंड लाहौल स्पीति was dropped once by world bank earlier and it was after chief minister Jaram thakur took up the matter with the centre that it was received on november 8, 2018. the project has 40 key officials, which include chief executive director, executive director, two finance and administration officials and 10 planning officers. the government agreed with the department of economic affairs as part of the readiness criteria for the project that the tenure of the key staff should be थ्री ईयर्स और मोर द एग्रीमेंट में यह किया गया था लेकिन अब उससे पहले दर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर फॉर एक्सप्रेस डी अप्रीहेंशन दैट द प्रोजेक्ट वॉज स्टिल इन क्रूशियल स्टार्टअप फेज एंड सच ए चेंज इन द प्रोजेक्ट लीडरशिप एट दिस जंक्चर में हैव अ कंसिडरबल एडवर्स इंपैक्ट ऑन दी प्लेस एंड एफिसियंसीफिशियंसी ऑफ द प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन ठीक है द प्रोजेक्ट एम्स एट डबलिंग द इनकम ऑफ द फार्मर्स बाय 2022 बाय प्रोवाइडिंग इरिगेशन फैसिलिटी टू देम एंड फैसिलिटेटिंग ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ देयर प्रोड्यूस टू द मार्केट्स अब बताइए इतनी बड़ी प्रोजेक्ट चल रही है इससे किसानों का बहुत फायदा होने वाला है हिमाचल प्रदेश का बहुत फायदा होने वाला है और इतनी बड़ी प्रोजेक्ट को अगर वायलेट किया जाए उसके प्रोविजंस को या उसके अग्रीमेंट को वायलेट किया जाए तो दिस वुड नॉट बी कंसिडरबल दिस वुड नॉट बी एक्सेप्टेबल टू एनी ठीक है तो ये सारे इश्यूज चल रही है इसीलिए ये ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके और पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये चीजें हो रही है तो किस तरह से हिमाचल प्रदेश का फायदा होने वाला है या फार्मर्स का फायदा होने वाला है या फिर जब फार्मर्स इनकम डबल करना है तो ये किस तरह से हेल्प करेगा ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक है तो ये जो इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के बारे जो में जो कंटेंट मैंने आपको यहां पे दिया है दिस कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोवाइडेड फ्रॉम द साइट ऑफ द वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक के साइट से ही मैंने निकाल के आपको दिया ये तो आप यहाँ से पीडीएफ डी एफ में जाकर पढ़ लेना इशू यही आ रहा है इस पर कि इस प्रोजेक्ट पे एग्रीमेंट ये था कि ट्रांसफर कुछ नहीं होना है तीन साल तक कम से कम लेकिन चीफ डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दोनों की ट्रांसफर हो चुके हैं दोनों को अलग अलग जगह पर पोस्टिंग पोस्ट या ट्रांसफर कर दिया गया ठीक है तो सेकेंड जो आर्टिकल है आज का हमारा अवेयरनेस ड्राइव ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हिमाचल प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी विल ऑर्गेनाइज एन एनुअल मास अवेयरनेस कैंपेन सामर्थ सामर्थ ये जो स्कीम है ये प्रोग्राम है ये 2011 में स्टार्ट किया गया था हिमाचल प्रदेश के अंदर इस प्रोग्राम के तहत लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट की जाती थी कैसे डिजास्टर रिस्क डिज़ास्टर को जो रिस्क है उसे कम किया जाए कैसे उससे डील किया जाए टैकल किया जाए तो ये पूरे स्टेट वाइड में पूरे स्टेट में कैंपेन चलती थी दो से स्टार्ट हुआ था सामर्थ याद रखिएगा अब इसी साल 13 अक्टूबर को हर साल 11, 12, 13 अक्टूबर इस तरह डेट में ही इंटरनेशन कब इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिडक्शन जब इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिडक्शन है 13 अक्टूबर को जब होगा तब ये अवेयरनेस ड्राइव फिर से स्टार्ट की जाएगी तो प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जब डिजास्टर मैनेजमेंट के इश्यूज आती है हिमाचल प्रदेश में आप जब हो तो हिमाचल प्रदेश के अंदर क्वेश्चन डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहां आपको यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा ठीक है यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा अब यहां पे करते हैं एक्टिविटीज क्या क्या इन्वॉल्व है इनमें ठीक है 2011 से चलते आ रहा है तो इस साल फोकस क्या है द फोकस दिस ईयर वुड बी ऑन डेवलपिंग कंटेंट लाइक न्यूज स्टोरीज फोटोग्राफ्स क्वेज वीडियोस एंड सोशल मीडिया कार्ड्स इटिंग द लिंक बिटवीन गुड डिजास्टर गवर्नेंस एंड हैविंग नेशनल एंड लोकल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रैटेजीज इन प्लेस मेनली कैसे डील किया जाए कैसे टैकल किया जाए लोगों को बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना है ऑनलाइन एंड डिजिटल मोडेंसिवली यूज टू क्रिएट अवेरनेस बिल्ड कपैसिटीज टूवर्ड्स प्रमोटिंग डिजास्टर रेजिलियंस इन दीक है तो ये अब हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको पता है कि हिली टेरेन है टोपोग्राफी अलग है ठीक है तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और इसका एक इंटरनेशनल एंगल भी है जब क्वेश्चन आपको मेन से पूछे जाएंगे तो इसका इंटरनेशनल एंगल यह बनता है कि सेंडाई फ्रेमवर्क सेंडाई फ्रेमवर्क जो 2015 में स्टार्ट हुआ है 2015 में स्टार्ट हुआ है सेंडाई प्लेस इन जापान तो सेंडाई फ्रेमवर्क जो है ये एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है पूरी दुनिया के लिए जहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट वर्ल्ड के रिप्रेजेंटेटिव डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं और साइन किया गया है सेंडाई फ्रेमवर्क को 2015 में और इसकी इंप्लीमेंटेशन होती है इसके फ्रेमवर्क के तहत इसके प्रोविजन के तहत सारे कंट्रीज काम करती है डिजास्टर मैनेजमेंट में तो इसका इंटरनेशनल एंगल ये होगा जब आप अपने आंसर लिख रहे हो तो इसे मैंशन करना जरूरी है इसके प्रोविजन को आप ध्यान से पढ़ लेना सेंडाई फ्रेमवर्क अब ये जो चल रही है इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है हिमाचल प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश याद रखिएगा प्रलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है अभी तो अब मेन्स हो चुका है प्रलिम्स हो चुका है ठीक है तो किसी और एग्जामिनेशन में यह पूछा जा सकता है जैसे कि अभी कुछ अभी एक एग्जामिनेशन पच्चीस को आने वाला है पच्चीस अक्टूबर को

लेक क्रिएट हुई है वो पोंग लेक है अब यहां की जा रही है कि इसे हम अब यहां पे इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है कि स्टेट गवर्नमेंट यहां पे इन्वेस्टमेंट करेगी और पोंग लेक को एक टूरिस्ट वर्ल्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करेगी, ठीक है ये कब डिसाइड किया गया सिक्सटी नाइन्थ वाइल्ड लाइफ वीक सैटरडे को कल जब ये हुआ है सैटरडे को डे बिफोर यस्टरडे सिक्सटी नाइन्थ वाइल्ड लाइफ वीक जब सेलिब्रेट की जा रही थी तब यह डिक्लेयर किया गया कि फाइव करोड़ वुड बी गिवन स्पेंड टू टूरिज्म इन पॉंगलेक पोंग लेक के डेवलपमेंट के लिए और वहां पर जो लोकल्स हैं जो लोकलाइट्स हैं उनको इन्वॉल्व किया जाएगा ताकि उनको भी फायदा पहुंचे जॉब्स क्रिएट हो और उनके बीच में भी अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी कि कैसे पोंग लेक को सही रखना है साफ रखना है मेंटेन करना है ठीक है लोकल्स को इन्वॉल्व करके all efforts were being made to bring the lake on world tourism map and necessary funds would be provided for the mission world tourism map mein leke aana hai aur uske liye jitne bhi kharch honge wo sarkar karegi the government was exploring the possibility of developing tourism in untapped areas in the state the government directed the pong dam society to ensure participation of the locals in development activities of the lake area Lake area को develop करने के लिए locals को भी एक society बनी हुई है वहाँ पे उन society को बोला गया है कि वहाँ के लोकलाइट्स को भी अब इन्वॉल्व करें ताकि इस लेक को एक्टिविटीज के डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए साइकिल रैली भी स्टार्ट की गई थी तो ये सारी चीजें हो गई है लेक अब लेक के बारे में आपको जानना क्या से? किसी भी जा है कंस्ट्रक्शन ऑफ पोंग डैम ड्यूरिंग 1974 अक्रॉस बीज रिवर याद रखिएगा कौन से रिवर के ऊपर महाराणा प्रताप सागर ज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इट इज अमसर साइट रामसर साइट जो वेटलैंड है दो हजार दो में दी गई है ठीक है किन सब चीजों के लिए फेमस है इट इज द ओनली प्लेस इन द कंट्री आफ्टर भरतपुर सेंचुरी जो राजस्थान के अंदर है रेड नेक ग्रेब ग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पोंग डैम वेटलैंड पोंग लेक ठीक है इसके बाद मैंने आपको यहां पे जो भी हमारे रामसर साइट्स हैं आज कंट्री के अंदर जो भी रामसर साइट्स हैं उसके मैप मैंने यहां आपको पीडीएफ में दे दिए हैं, तो यहां पे जो भी रामसर साइट्स इन इंडिया में जो भी हैं वो भी आपको यहां से मिल जाएगा जो भी साइट्स हैं यहाँ पे तो यहां पे आप देख सकते हैं कि दिस इज यहां पे नॉर्थ हिमाचल प्रदेश यहाँ पे पोंग डैम लेक है ठीक है और भी जो है यहाँ पे चंद्रताल वेटलैंड रेणुका वेटलैंड ये सारे भी रामसर साइट्स हैं हिमाचल के अंदर ध्यान पे रखिएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चंद्रताल और रेणुका वेटलैंड और पोंग डैम तो ये सारे हिमाचल के अंदर है तो दिस इज ऑल वी गॉड फ्रॉम टूडे सेशन आज के लिए ये सारे कंटेंट्स ही थे तो नेक्स्ट वीक हम फिर से मिलेंगे फिर से नई कुछ डेवलपमेंट्स होंगी उसको लेके, जो हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा टिल देन हैव अ नाइस डे थैंक यू